देख रहे हैं डेयर नेक्स्ट टीवी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सेवन स्टेप्स योग फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रणव गौरी शंकर जी। आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना के समय में योग करना कितना जरूरी है। देखिए, ऐसा है, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के दौर में सबसे पहली बात यह होती है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखें और उसको बढ़ाएं ताकि हम किसी भी आने वाली बीमारियों से हमारा शरीर उससे लड़ सके। तो योग में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। देखिए, अभी आप लोग कई जगह पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई घर का सादा खाना खाओ, बाहर का जंक फूड मत खाओ, अलावा इसके रोज़ व्यायाम करो, प्राणायाम करो। हर बड़ा थेरेपिस्ट या डॉक्टर ये बात कह रहा है कि आप योग से जुड़ो। तो योग में जो क्रियाएं होती हैं, भाई हमारा इम्यून पावर को हमको अगर बढ़ाना है तो तय बात है कि हमको अपने प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों का विस्तार। हमारे शरीर में 5 वायु होती है, प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। इसमें सबसे मुख्य जो होती है हमारी प्राणवायु होती है। तो प्राणवायु जितनी हमारी एक्टिवेटेड रहेगी और विस्तृत रहेगी तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब प्राणायाम की बहुत सारी तकनीक हैं, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। इसके अलावा अगर हम अपने अंदर से अपने टॉक्सिन्स को अगर बाहर करना है तो कपालभाति प्राणायाम है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम है। कपालभाति, भस्त्रिका करने के बाद में अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो तय बात है कि आपका इम्यून पावर बढ़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, कुछ फिजिकल वर्कआउट्स होते हैं। योग में आसनों का महत्व बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आसन के बाद में प्राणायाम का नंबर आता है। तो सबसे पहले आसन करके, विभिन्न प्रकार के आसन, इस छोटे से समय में आसनों को डेमोंस्ट्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर ये है कि आप अपने किसी योग गुरु के संपर्क में आ करके अगर आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और साथ में मेडिटेट करते हैं, ये तीन चीज़ अगर आपने अपने दिनचर्या के साथ में अगर आपने जोड़ लिया, नंबर वन। नंबर टू, घर का शुद्ध शाकाहारी सुपाच्य भोजन किया, ताज़ा भोजन किया, अलावा इसके नींद भरपूर ली, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो कोरोना क्या है, कोरोना से बड़ा भी अगर कुछ आ जाएगा तो उसको भी आप जो है अपने इम्यून पावर से उसको, उससे अपने को दूर फेंक सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। सर, ऐसा कोई आसन या प्राणायाम जो कोरोना के टाइम पर लोगों को सजेस्ट किया जा सके? देखिए, कोरोना का सबसे पहला प्रभाव जो है हमारे श्वसन तंत्र पे पड़ता है ना? तो ये जो ENT बोलते हैं, जैसे ईयर, नोज, थ्रोट, तो नाक से लेकर फिर गले से लेकर फिर लंग्स, फिर हार्ट, तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स प्रकृति ने हमको दिए हैं सभी प्रेशियस हैं। अगर उन ऑर्गन्स की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती तो प्रकृति ने वो ऑर्गन हमको दिया ही नहीं होता। मगर इस कोरोना के दौर में हार्ट, लंग्स, नोस्टल पैसेज और थ्रोट, ये मुख्य हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को क्लीन रखें, स्वस्थ रखें, तो हम जो है कोरोना से लड़ सकते हैं। अब इस पे इतने ऑर्गन्स को, नोज, थ्रोट, लंग्स, हार्ट, इसको अपने को क्लीन रखना है या इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए हम प्राणायाम की कुछ तकनीक हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो आपका ये जो नोस्ट्रल पैसेज है ये नोस्ट्रल पैसेज बिल्कुल आपका क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने से क्या होगा, आपका श्वसन तंत्र बराबर काम करेगा, और श्वसन तंत्र जब बराबर काम करेंगे तो आपके लंग्स बराबर काम करेंगे, लंग्स बराबर काम करेंगे तो आपका हार्ट मजबूत होगा। एक दूसरी बात, यही चीज़ लागू होती है आपके भस्त्रिका प्राणायाम में भी, क्योंकि ये दोनों जो है ना हीट इंक्रीजिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो जैसे हीट इंक्रीज होती है हमारे शरीर में, ये दो प्राणायाम करने से जब हीट इंक्रीज होती है तो म्यूकस जो है वो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होकर नीचे चला जाता है, तो कहीं ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं। तीसरी बात यह, नाड़ी शोधन का महत्व इसमें इतना ज़्यादा है। हमारे शरीर में तीन प्रकार, मुख्य मुख्य नाड़ी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है,
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो ये हमारे ये और ये हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है और बैलेंस पर्सनालिटी को देता है। तो सबसे पहला विकार कहाँ से आता है, सोच कहाँ से पैदा होती है, बीमारी शरीर में आती है मगर मैसेज कहाँ से जाता है, हमारे ब्रेन से जाता है ना, ब्रेन ही हमको मैसेज कर, फर्ज करो आपको सिर दुख रहा है तो आपको मैसेज कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है ना। तो अपने इस हिस्से को, तो लेफ्ट बोलने से ईड़ा, राइट बोलने से पिंगला, जब दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं तो वो कहलाता है सुषुम्ना। तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसमें हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर वो बैलेंस होते हैं, तो ये बैलेंस होंगे तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो बैलेंस हो जाता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो निश्चिंत रहें, कोरोना आपका कुछ भी कोर नहीं पाएगा अगर आप योग से जुड़े हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चर्चा करने के लिए 7 स्टेप्स योग फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रणव गौरीशंकर जी। हम इसी तरह की योग से जुड़ी वीडियोस आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।